वेलकम टू संसार ग्रीन और मैं हूँ पंकज। मार्च का महीना आ गया और मार्च के महीने में त्योहारों की धूम रहती है, जैसे होली और सदरा। इसी तरह आप भी अपने इस त्योहारों को फूलों वाले पौधे से सजाइए। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा आप मार्च के महीने में कौन से फूलों वाला पौधा बीज से, कटिंग से और डायरेक्ट तैयार नर्सरी से लगा सकते हैं। ये मेरा ब्लूज या 4 o'clock का पौधा है और ये सालों भर लगता है। आप इसके फूल देख ही रहे होंगे और ये सिर्फ बीजों से लगता है। आइए मैं आपको इसके बीज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसके बीज है। इसी बीज से इसका पौधा तैयार होता है। मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। ये इसकी बीज है। मार्च के महीने में आप मधुमालती का भी पौधा लगा सकते हैं। इसकी बहुत ही खूबसूरत वाइन होती है। आप इसे अपने पीछे साइड के दीवार या को ढकने के पर्पज से भी इसे दीवार के ऊपर इसे चढ़ा सकते हैं। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं और गुच्छे में भर कर आते हैं। एक ही गुच्छे में कई रंगों के फूल भी आते हैं। इसके पौधे लगाना बहुत ही आसान है। आप इसकी कटिंग से भी इसके पौधे लगा सकते हैं या तैयार पौधा नर्सरी से लाकर आप इसे लगा सकते हैं। आप इसे 10 से 12 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं या इसे डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं। अभी आप गुल मेहंदी या बालसम का भी पौधा लगा सकते हैं। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत देखने में लगते हैं और कई रंगों के इसके फूल भी आते हैं। आप इसके पौधे ठंड खत्म होने के बाद इसका पौधे लगा सकते हैं। जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है इसके पौधे की ग्रोथ भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है और फूल भर कर आते हैं। इसके पौधे लगाना बिल्कुल ही आसान है। बस आपको नॉर्मल मिट्टी में इसके पौधे को लगा देनी है। आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट मिट्टी में भी इसका पौधा आप लगा सकते हैं। इसे आप बीज से भी लगा सकते हैं या आप नर्सरी से तैयार पौधा लाकर भी इसे डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। मार्च के महीने में आप पोटुलाका, इसके कई सारे नाम हैं, 10 o'clock, 10 बजिया, 9 बजिया और भी कई नामों से इसे लोग बोलते हैं। इसे आप बीज से या कटिंग दोनों से लगा सकते हैं। इसके फूल कई रंगों में आते हैं। आपको जो भी रंग पसंद है आप उसका पौधा लगा सकते हैं। इसे लगाना बिल्कुल ही आसान है। आप इसे गमले में लगा सकते हैं या हैंगिंग गमले में लगाएं तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अभी आप मार्च के महीने में सूर्यमुखी या सनफ्लावर का भी बीज लगा सकते हैं। इसके पौधे आप बीज से ही उगा सकते हैं। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं और बहुत ही बड़े आकार के भी होते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े फूलों में से माना जाता है। फूलों को अपने अधिकतम आकार में बढ़ने के लिए इसे कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। इसलिए आप इसके बीज या पौधे ऐसे ही जगह लगाएं जहां पर रोजाना 8 से 10 घंटे धूप आती हो या इसके पौधे 9 से 12 फीट ऊंची हो सकती है और इसके बीज से खाने वाला एडिबल वाइल भी निकाला जाता है। मार्च के महीने में आप गोम फेरना का भी बीज लगा सकते हैं। इसे बीज से ही उगाया जाता है। इसे खुली धूप ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप इसके बीज ऐसे ही जगह लगाएं जहां पर रोजाना 4 से 5 घंटे की धूप आती हो और इसमें गर्मी के दिन में इसमें रोजाना एक बार पानी देने की आवश्यकता होती है। आप इसके बीज डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं या 8 से 10 इंच के आकार के गमले में भी इसके बीज लगा सकते हैं। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होती है, इसलिए सजावट के रूप में इसके फूलों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। मार्च के महीने में आप ब्लैक आई सूजन का भी वाइन लगा सकते हैं। इसकी वाइन बहुत ही खूबसूरत होती है। इसमें जो फूल आते हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत होती है। इसके ब्लैक कलर की मिडिल पार्ट्स देखने में बिल्कुल ही आई की जैसा लगती है, इसलिए इसका नाम ब्लैक आई
सजन पड़ा। इसका फ्लावर भी बहुत ही खूबसूरत होता है। इसे आप बीज से और कटिंग से लगा सकते हैं। इसे आप 6 से 10 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, या आपके पास गमले नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट का इंतजार हमें रहता है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।